सोनम वांगचुक ने हाल ही में लद्दाख में एक लंबा प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट के उसने दो बड़े कारण बताए। इन दोनों कारणों में क्या सच्चाई है, उसके पीछे जाने की आवश्यकता है, जिसको आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सोनम वांगचुक का सबसे पहला मानना ये था कि भाई लद्दाख में एक प्रकार की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और उसने मांग करी कि उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल में डालकर उस शेड्यूल के तहत प्रोटेक्शन दी जाए। उसके साथ साथ किसी प्रकार से MLAs की, MP की जो रिप्रेजेंटेशन है भारत के संसद में भी, वो भी बढ़ाई जाए। दूसरा उसका जो बेसिकली कंसर्न था वो था प्राइमरीली लेके इंडस्ट्रीज को, कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं लद्दाख के इलाके में आने जा रही हैं, और उस इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कारण लद्दाख की इकोलॉजी पे इफेक्ट होगा। इन दोनों चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली चीज़ जो सोनम वांगचुक का जो प्रोटेस्ट का पहला कारण था कि राजनीतिक तौर से लद्दाख को एक आवाज़ देनी चाहिए, इस पॉइंट पे सोनम वांगचुक ने कुछ गलत नहीं बोला। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लद्दाख टेरिटोरियली बहुत बड़ा एरिया है, और आज की डेट में उतने बड़े इलाके से यदि मान लीजिए एक ही सांसद चुन के आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन भारत की डेमोक्रेसी के खिलाफ है। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर ये मांग होती है कि वहां पर सांसद बढ़ा देने चाहिए, सरकार इसके बारे में सोच सकती है, और सरकार आज की डेट में सोच भी रही है, खास करके जब से अनुच्छेद 370 हटा है। 370 हटने के बाद जब से लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना है, आज की डेट में यदि मान लीजिए कि लॉन्ग रन में लद्दाखी लोगों को पॉजिटिविटी देने के लिए अगर भारत सरकार, जिसके ऊपर बहुत गहरी तरीके से सोच चल भी रही है, कि मान लीजिए कि एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाकर उसके अंदर हम लोग मान लीजिए कि एक उसको लेजिस्लेटिव असेंबली दे दें खुद की, तो क्या वो फायदेमंद होगी? लद्दाख का इलाका, कारगिल का इलाका, क्या उन इलाकों में किसी प्रकार से रिप्रेजेंटेशन और डेमोक्रेसी और डीपन होगी? आज की डेट में अगर ऐसी चीज हो भी जाए आने वाले समय में, तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की मांग है, और इस लोगों की मांग को फुलफिल करना भारत की सरकार आज की डेट में इस पे बहुत गहरी सोच में वैसे भी लगी हुई है, क्योंकि अभी अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में एक प्रॉपर तरीके से चुनाव की परिस्थितियां बन रही हैं, और इसी साल के अंत से पहले पहले कश्मीर में चुनाव भी होंगे, तो आप देखेंगे कि लद्दाख में इस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट पे कुछ ना कुछ विकल्प जरूर दिया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर काफी ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं जो काउंटर की जा सकती हैं, कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने ये बात बोली कि भाई लद्दाख में इंडस्ट्रियलाइजेशन से लद्दाख की इकोलॉजी खराब होगी, इस पॉइंट को थोड़ा सा कंटेस्ट करने की आवश्यकता है। हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि लद्दाख की इकोलॉजी कितनी बड़ी है। आज की डेट में जब हम लद्दाख के इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को देखते हैं, दो चीजें समझिए। पहली चीज कि लद्दाख का इलाका एक नेचुरल इलाका है जो भारत से होता हुआ तिब्बत के अंदर तक, चीन के उस इलाके तक, जिंजियांग की बाउंड्री के फ्रिंजेस तक जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप चीन की तरफ से होती हुई गतिविधियों को देखें, तो जो आधा लद्दाख का हिस्सा है, जो एक पॉइंट पर भारत का ही हुआ करता था, जिसको चीन ने तिब्बत को ऑक्यूपाई करने के बाद इलीगली कब्जा करके रखा है, अगर आप उस इलाके को देखें, तो चीन ने तो कोई कसर उस इलाके की इकोलॉजी को बर्बाद करने में नहीं छोड़ी है। सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रेजीम स्टार्ट हुआ था, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने 1949 में बैठकर एक प्लान बनाया था अगले 100 साल का, और वो प्लान के तहत एक्शन चीन में पिछले 75 सालों से चल रहा है। प्लान ये था कि 2049 में चीन जो है विश्व का एक सुपर पावर होगा। वो किस प्रकार का सुपर पावर होगा, किस तरीके से सुपर पावर होगा, वो समय बताएगा, लेकिन उनका एंड गोल क्लियर था कि हमें सुपर पावर बनना है। इसी प्रोसेस में चीन ने उस लॉन्ग टर्म रणनीति को मन में रखते हुए अपने पूरे के पूरे इतिहास को उस तरीके से डायरेक्ट किया, डायरेक्ट होने नहीं दिया। ये दोनों चीजों में बहुत फर्क है। एक होता है कि भाई आप इतिहास जिस तरीके से चल रहा है आप चलने दीजिए, एक होता है कि आप ऐसी हरकतें करिए कि जिससे इतिहास आप अपना खुद लिख पाए। चीन ने ये दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाई। कैसे? 1947-48 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ। चीन ने इस चीज को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। उस समय 1950 से चीन की नजरें कश्मीर पे हमेशा से थीं। चीन को पता था कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते क्योंकि खराब होते जा रहे हैं, ये आगे भी खराब होंगे, तो चीन ने रणनीति के तहत इस चीज का निर्णय लिया कि वो लॉन्ग रन में पाकिस्तान का समर्थन करेगी।
1962 में भारत और चीन के बीच में भी झड़प हुई, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से कश्मीर को लेकर झड़प हुई, 71 में भी झड़प कश्मीर को लेकर हुई थी, इवेंचुअली उसका खमियाजा पाकिस्तान को अपने भूगोल को बदलने के लिए ईस्ट पाकिस्तान में देना पड़ा, कारगिल को भी कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में देखा गया, आज की डेट में भी कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में जितनी लड़ाइयां पाकिस्तान के साथ लड़ी गई हैं उसी इलाके को हैं। इससे क्या समझ आता है? सबसे बड़ी चीज ये समझ आती है कि 1947-48 की जंग के बाद 1950 के दशक से चीन के मन में कश्मीर बैठ चुका था। चीन को यह समझ आ चुका था कि कश्मीर मेरे लिए लॉन्ग रन में कैसे फायदेमंद होगा। चीन को दो चीजें पता थी, चीन को यह पता था कि कश्मीर में बहुत सारे पहाड़ हैं, चीन को यह पता था कि ये पहाड़ आज नहीं तो कल कभी ना कभी पिघलेंगे, इनमें बहुत पानी होगा। दूसरी चीज, चीन को यह भी पता था कि ये जो हिमालय के पर्वत हैं कश्मीर के अंदर, इनमें से बहुत सारी नदियां उजागर होती हैं, बहुत सारी नदियां जो आज भारत के अंदर पाकिस्तान के अंदर पानी लेके कई सैकड़ों लीटर पानी जाता है, वो पानी इन नदियों के थ्रू इन पहाड़ी इलाकों से हिमालय के पर्वतों से ही आता है। चीन के मन में एक चीज तय हो गई थी, 100 साल का प्लान है, 100 साल के बाद विश्व का सुपर पावर बनना है, पानी की आवश्यकता किसी ना किसी चीज के लिए कभी ना कभी तो जरूर होगी, क्या पता वो पानी हमारे को अपनी पॉपुलेशन को समर्थन देने के लिए जरूरत हो कि उनको पीने का पानी आवश्यक करवाना पड़े, या कल को ये पानी किसी विकास कार्य के लिए जरूरत हो, किसी प्रकार की इंडस्ट्री लगाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जरूरत हो। 1962 के बाद जब भारत और चीन के बीच में झड़प हुई, 1963 में पाकिस्तान और चीन ने अपने एक दूसरे के रिश्तों को और मजबूत करते हुए, उस समय इस भूखे नंगे पाकिस्तान ने 1963 में चीन को कश्मीर का एक इलाका, जिसको हम आज की डेट में शख्सगम वैली कहते हैं, वो शख्सगम वैली का इलाका इन्होंने बेसिकली पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट के तौर पर दिया। ये 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का कश्मीर का वो इलाका शख्सगम वैली, जिस इलाके में पहली बात तो पाकिस्तान ने इल्लीगल कब्जा किया हुआ था, इस इल्लीगल कब्जे के बाद उसने उसकी औकात देखी है कि उसने ये टेरिटरी उस समय उठाकर चीन को एक गिफ्ट के तहत दे दी। शख्सगम वैली एक ऐसा इलाका 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का ही पाकिस्तान ने चीन को क्यों दिया? क्योंकि चीन ने स्टडी की थी, चीन 1950 से कश्मीर के अंदर स्टडी कर रहा था, स्टडी करके उसने ये देखा कि शख्सगम वैली का जो इलाका है 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का, इस शख्सगम वैली के इलाके में 250 ग्लेशियर हैं, ये जो 250 ग्लेशियर हैं इन ग्लेशियर्स में भरपूर पानी है, ये जो भरपूर पानी है चीन को समझ आ गया आने वाले लॉन्ग रन में मेरे समर्थन के लिए, आने वाले लॉन्ग रन में मेरे पर्टिकुलर ग्रोथ के लिए, मेरी इकोनॉमी के लिए ये पानी कभी ना कभी तो काम आएगा, किस पर्पज के लिए आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम ये 250 ग्लेशियर्स पाकिस्तान के बस का और पाकिस्तान के गुदे का तो है नहीं कि उसको संभाले और उसका प्रयोग करे। तो उस समय चीन ने यह निर्णय लिया, उसने पाकिस्तान को बोला कि आप हमसे रिश्ते मजबूत कीजिए, हमें शख्सगम वैली दीजिए। चीन ने उस समय शख्सगम वैली के समय लेते हुए पाकिस्तान को यह तक बोला कि इस इलाके के थ्रू हम काराकोरम का हाईवे पास करवाएंगे और उस हाईवे से हम आपके साथ कनेक्ट करके व्यापार करेंगे। काराकोरम हाईवे भी बना, वो काराकोरम हाईवे आज की डेट में शख्सगम वैली के पूरे इलाके के अंदर से कट होता हुआ ही जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शख्सगम वैली काराकोरम हाईवे के लिए नहीं बना था, शख्सगम वैली काराकोरम हाईवे के लिए नहीं लिया गया था, वो लिया गया था क्योंकि वहां पर 250 ग्लेशियर थे, चीन के मन में, चीन के नजरिए में वो पानी था, उसको पता था कि एक ना एक दिन ये पानी मुझे जरूर काम आएगा, कब आएगा, किस तरीके से आएगा ये समय बताएगा, इतिहास तो मैं ही लिखूंगा। आगे जैसे जैसे इतिहास बढ़ता रहा, 1970 के दशक में चीन ने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया, अर्थव्यवस्था के तौर पर उसने अमेरिका के साथ एंगेजमेंट करी, 1980 के दशक से चीन ने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने की जब शुरुआत करी, उस इकोनॉमिक ग्रोथ के दौरान चीन को एक चीज समझ आ गई कि पहले तो मैं बनूंगा मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर, और चीन ने जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी भी कहती है कि आप अपनी एग्रेरियन पॉपुलेशन को निकाल के मैन्युफैक्चरिंग में लाइए और मैन्युफैक्चरिंग को निकाल के सर्विसेज में लाइए, चीन ने वही पाथ पकड़ा और उसी पाथ के तहत उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोवेस बढ़ाई, मैन्युफैक्चरिंग ताकत बढ़ाई, इंडस्ट्री बढ़ाई। और उसके बाद 2000 के दशक तक हम देखते हैं कि चीन एक विश्व तौर पर ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ कमोडिटीज बन चुका था, आज की डेट में उसी चीजों को एक्सपोर्ट करके ग्लोबल तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर डंप करने के लिए चीन ने एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी बनाया हुआ है। उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कोई और ऑब्जेक्टिव और महत्व नहीं, बल्कि सिर्फ चीन का जो ओवर प्रोडक्शन का किया हुआ प्रोड्यूस है, उस ओवर प्रोडक्शन के उस प्रोड्यूस को वो पूरे ग्लोबल तौर पर डंप करना चाहता है, डंप करके दूसरे देशों को बेचना चाहता है कम दाम पर, ताकि दूसरे देशों की मार्केट को वो कैप्चर कर पाए। लेकिन
जब चीन को यह समझ आया कि दूसरे देश इस खेल को समझ रहे हैं, जब चीन को समझ आया कि दूसरे देश इस डंपिंग को होने नहीं देंगे, जब चीन को यह भी समझ आया कि मेरे मैन्युफैक्चरिंग करने से और उस मैन्युफैक्चरिंग करके उस उत्पाद को पूरे वर्ल्ड में बेचने से, उस उत्पाद को बेचने के कारण अमेरिका ना खुश होगा, क्योंकि जिन जिन देशों में जाकर चीन अगर मान लीजिए व्यापार करके उत्पाद अपने बेचेगा, उन्हीं उन इलाकों में भूलिएगा मत कि अमेरिका अपने उत्पाद कम बेच पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चीन ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो चीन का प्रोडक्ट सस्ता होगा, और वो प्रोडक्ट अगर सस्ता होगा तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे पूरे देशों की विश्व तौर पर पॉपुलेशन जो होगी वो सस्ती चीज़ों के ऊपर ही ज़्यादातर जाएगी। तो अमेरिका की मार्केट जैसे जैसे कटती गई तो चीन को ग्रेजुअली समझ आया कि अमेरिका ने नया खेल खेलना शुरू करा, कि उसने कई देशों को बोलना शुरू करा कि आप चीन के मैन्युफैक्चरिंग का समर्थन मत कीजिए, आप चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन मत कीजिए, आप चीन से ज़्यादा व्यापार मत कीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी चीन आज की डेट में जो गेम खेल रहा है वो है कोर्स करेक्शन, और आज चीन के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त कोर्स करेक्शन चल रहा है, इतिहास दोबारा लिखने की एक नई रणनीति रची जा रही है। ये इतिहास चीन ने 1980 और 90 के दशक में लिखा था जब वो मैन्युफैक्चरिंग पावर बना था, और यही चीज वो आज की डेट में दोबारा अपना इतिहास लिख रहा है। अब वो इतिहास कैसे लिख रहा है? चीन आज की डेट में एक चीज समझ चुका है कि अगर मुझे विश्व तौर का सुपर पावर 2049 तक बनना है तो 2024 तो आ गया, अब ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 सालों का गैप है, बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर ताकत इतनी कमा ली है, पैसा इतना कमा लिया है कि इस पैसे का जो भी चाहे मैं कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि अमेरिका आज की डेट में अड़चनें पैदा कर रहा है तो इस अड़चनों को गो थ्रू कैसे किया जाए? सबसे बड़ी बात, अमेरिका की अड़चन क्या है? अमेरिका की अड़चन यह है कि वो मैन्युफैक्चरिंग जो है चीन जो कर रहा था उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका जो है आज की डेट में टेक्नोलॉजी सुपर पावर बन रहा है। अब चीन को समझ आया कि मेरा खेल अगर विश्व तौर पर सुपर पावर बनने का है तो वो केवल एक तरीके से होगा, और वो तरीका ये है कि नंबर वन, मेरे को रूस के साथ एक गहरा रिश्ता रखना होगा, रूस को पैसा देके सपोर्ट करके उसको ये बात समझानी होगी कि आप अमेरिका को एक कोवर्ट लड़ाई में अलग अलग थिएटर्स पे बिजी रखिए, पहले सीरिया का थिएटर बशर अल असाद को लेके, वहां पर एक प्रॉक्सी वॉर चलती रही, फिर रशिया का जो इंगेजमेंट ईरान के साथ हुआ उस ईरान के साथ इंगेजमेंट के तहत अमेरिका उसको काउंटर करता रहा, इसराइल के साथ मिलकर न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम का एक पूरा बखेड़ा, और आज की डेट में जो यूक्रेन में ड्रामा चल रहा है। तो चीन के लिए रूस एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है जो उसके पूरे गेम प्लान में उसका समर्थन कर रहा है, क्योंकि ना तो रूस ना चीन दोनों चाहते हैं कि विश्व तौर पर अमेरिका कभी भी सुपर पावर ना रहे। और तो और, जैसे जैसे अमेरिका आज की डेट में इन अलग अलग परिस्थितियों में बिजी हो रहा है, एक जगह पर वो बेसिकली गाजा पट्टी में लेके इसराइल की सहायता करते हुए उस इलाके में डूबा हुआ है, दूसरी जगह पर अफगानिस्तान में उसको तालिबान खींची जा रही है, पाकिस्तान खींचा जा रहा है, तीसरी जगह पर यूरोप के थिएटर में जहां पर अमेरिका को आज की डेट में ऑक्यूपाई करके बिजी करके रखा हुआ है रूस के यूक्रेन आक्रमण की वजह से, उसी पूरे प्रोसेस में चीन चुपचाप बैठ के एक बहुत मेजर कोर्स करेक्शन कर रहा है। वो कोर्स करेक्शन ये है कि चीन आज की डेट में एक निर्णय ले चुका है कि मुझे अमेरिका की टेक्नोलॉजी सुपीरियरिटी को तोड़ना है। इस टेक्नोलॉजी सुपीरियरिटी को तोड़ने का एक ही तरीका है, चीन समझ गया है कि मुझे आज की डेट में माइक्रोचिप सुपर पावर बनना है, और माइक्रोचिप्स बनाने के लिए चीन ने दो तीन बड़े काम किए हैं। सबसे पहले तो उसने आज की डेट में एक नेशनल इंटीग्रेटेड सर्किट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है। ये नेशनल इंटीग्रेटेड सर्किट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट फंड के तहत चीन आज की डेट में दो बड़ी कंपनियों का समर्थन करता है, जिसमें से एक कंपनी है ZTE और दूसरी कंपनी है Huawei। ये दोनों कंपनीज आज की डेट में पूरे विश्व तौर पर चीनी माइक्रोचिप्स बनाकर इनको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर्स में, चाहे मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, किसी प्रकार का डिफेंस प्रोडक्ट हो, वहां से लेके कोई कैमरा हो, ड्रोन्स हो, इन सारी चीजों में ये चीनी माइक्रोचिप्स लगाई जा रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, चीन को ये पता है कि अगर मुझे विश्व तौर पर एक माइक्रोचिप सुपर पावर बनना है तो इसके लिए जो चीन की तरफ से की गई दूसरी हरकत है वो है GCL पॉली एनर्जी होल्डिंग्स। ये एक ऐसी कंपनी चीन की सरकार ने क्रिएट की है जिसका समर्थन चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी डायरेक्टली करती है। GCL पॉली एनर्जी होल्डिंग्स के अंदर बोर्ड मेंबर्स के अगर आप प्रोफाइल्स देखें तो किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी विश्व तौर की, चाहे भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो या अमेरिका की CIA हो, आप किसी से भी अगर पूछ लें तो उसके बोर्ड के 50% से अधिक मेंबर्स, वो चाहे GCL पॉली एनर्जी होल्डिंग्स के हों, वो चाहे Huawei के हों, वो चाहे ZTE के हों, ये सारी कंपनियों के 50% से अधिक बोर्ड मेंबर्स
पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी चीना, चाइना के जो हैं इनके चीनी अधिकारी वहां पर जुड़े हुए हैं। अब तो और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जीसीएल पॉली एनर्जी होल्डिंग्स ने एक आज की डेट में कश्मीर के पास बहुत ही क्लोज इलाके में शक्सगम वैली के बहुत ही पास तिब्बत जिंजियांग के बाउंड्री के उस पास उन्होंने एक छोटी कंपनी का गठन किया है जिसका नाम है एमटी पॉलीसिलिकॉन। एमटी पॉलीसिलिकॉन आज की डेट में उस पहाड़ी इलाके में चुपचाप शांतिपूर्वक तरीके से ऑपरेट कर रही है। ये वहां पर बैठ के चुपचाप माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अब आप सोचेंगे कि चीन को यदि माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग करनी होती तो ये जीसीएल पॉली एनर्जी होल्डिंग जो है ये एमटी पॉलीसिलिकॉन का एक छोटा सा यूनिट उस पहाड़ी इलाके में क्यों लगाती? इसको ये बीजिंग में लगा लेती, चोंगकिंग में लगा लेती, जिंजियांग में कहीं पर लगा लेती, पर उस पहाड़ी इलाके में क्यों? उसका एक रीजन है, क्योंकि अगर आप साइंस के बेसिक्स को देखते हैं तो माइक्रोचिप बनाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक होती है सैंड पार्टिकल्स की और दूसरा होता है फ्रेश वाटर। चीन के अंदर की जितनी नदियां हैं ये सारी नदियां आज की डेट में गहरी तरीके से पोल्यूट हो चुकी हैं। क्योंकि ये नदियां गहरी तरीके से पोल्यूट हो चुकी हैं तो चीन के पास फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है। अब याद कीजिए 1963 का 1963 का वो गिफ्ट भूखे नंगे पाकिस्तान की ओर से जो चीन को दिया गया, और वो गिफ्ट था बेसिकली शक्सगम वैली 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जिसमें 252 ग्लेशियर्स थे। चीन को यह पता है कि जैसे जैसे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट वार्मिंग होगी, उस क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट वार्मिंग के कारण जो सबसे बड़ी परिस्थिति होगी वो ये है कि उसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे। चीन आज की डेट में अगर आप उसके ग्लोबल लेवल के रवैये को देखें क्लाइमेट चेंज के, आपने एक कॉमन चीज देखी होगी। अब आप देखेंगे और चीजों को लिंक करके जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे तो आपको और गहरी तरीके से समझ आएगा कि पूरे विश्व तौर पर आज की डेट में चीन किसी भी प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग टारगेट को एक्सेप्ट करने के लिए क्यों इतना रिजेक्शन करती है। क्योंकि चीन को यह बात मालूम है कि यदि उसने किसी प्रकार का ग्लोबल वार्मिंग टारगेट एक्सेप्ट कर लिया और वो ग्लोबल वार्मिंग के टारगेट्स को, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोकने के पीछे चली गई, तो उस केस में वो शक्सगम वैली के ग्लेशियर्स का मेल्टिंग स्लो डाउन कर जाएगा। चीन वो नहीं चाहता है। चीन दिल से चाहता है कि शक्सगम वैली के 252 ग्लेशियर्स मेल्ट करें। एमटी पॉलीसिलिकॉन जो कंपनी है, इस कंपनी ने जो अपने वहां पर प्रेजेंस बनाई हुई है वो प्रेजेंस ऐसी बनाई हुई है कि ये टकला मकान डेजर्ट जो है एमटी पॉलीसिलिकॉन के सामने के इलाके में, वो उस टकला मकान डेजर्ट से उठाती है सैंड को, और साथ में शक्सगम वैली से धीरे धीरे जो मेल्ट करके पानी फ्रेश वाटर निकल रहा है वो फ्रेश वाटर का प्रयोग किया जा रहा है आज की डेट में सिलिकॉन वेफर्स को बनाने के लिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि अगर आप साइंस के बेसिक्स जानते हैं, मैं उसी पॉइंट पे दोबारा आता हूं। साइंस के बेसिक्स ये कहते हैं कि एक 30 सेंटीमीटर के सिलिकॉन वेफर को बनाने के लिए 10,000 लीटर फ्रेश वाटर चाहिए। ये 10,000 लीटर फ्रेश वाटर एक 30 सेंटीमीटर के सिलिकॉन वेफर को बनाने के लिए यदि चाहिए तो ये चीन के किसी नदी से नहीं, ये शक्सगम वैली के उस इलाके से आएगा। तो कहने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि आज की डेट में, अब आप ध्यान से चीज को समझने की कोशिश कीजिए, चीन आज की डेट में काराकोरम से लेके, शक्सगम वैली से लेके, पेंगोंग लेक से लेके, इन सारे इलाकों में अपना प्रेजेंस और अपना दबदबा क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि चीन को यह बात पता है कि मुझे फ्रेश वाटर चाहिए। और आज चीन ने जीसीएल पॉली एनर्जी होल्डिंग से लेके, एमटी पॉली सिलिकॉन से लेके, छोटे छोटे कई सैकड़ों यूनिट उसने तिब्बत से लेकर, लद्दाख से लेकर, उस पूरे एक्सटेंडेड माउंटेन जोन में अपनी तरफ लगा रखे हैं। कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि अगर आप फ्रेजाइल इकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो पहली बात, फ्रेजाइल इकोलॉजी तो उस तरफ चीन ने पूरी ही पूरी बर्बाद कर दी है। दूसरी चीज, भारत को अनुच्छेद 370 हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसी रीजन से, क्योंकि हमें ये पता है कि कल को कश्मीर का ये पानी, ये जो शक्सगम वैली का पानी है, यदि ये पानी जब ग्लेशियर मेल्ट करेगा तो चीन इसको डाइवर्ट करके डिलिबरेटली वहां ले जाने की कोशिश करेगी। लेकिन इस डाइवर्जनरी टैक्टिक को अचीव करने के लिए बड़ी गंभीर परिस्थिति है चीन के लिए कि उसको मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा शक्सगम वैली में, जिसके लिए उसको कई अरबों डॉलर खर्चने पड़ेंगे। चीन के पास आज की डेट में वो पैसा नहीं है। उस पैसे को चीन किसी न किसी तरीके से खोज रही है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रयोग करने की सोच रही है। वो क्या करती है वो तो समय बताएगा, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि लद्दाख में भारत को इंडस्ट्री लगाने की आवश्यकता क्या है।
पहली आवश्यकता ये है कि इस लद्दाख के एरिया में ये जो पानी आने वाले समय में शक्सगम वैली का जो चीन चोरी करके लेके जाएगी, हम चाहते हैं कि वो पानी चीन की ओर ना जाए, क्योंकि वो नेचुरली जब पानी पिघलेगा, आज की डेट में भारत ताइवान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ मिलकर इन तीनों देशों को बुलाकर लद्दाख में प्रोजेक्ट्स लगा रही है। अगर इन तीनों देशों को बुलाकर प्रोजेक्ट्स लगा रही है तो भारत आज की डेट में अपनी माइक्रोवेफर माइक्रोचिप इंडस्ट्री की एक सुपीरियोरिटी इंडस्ट्री डेवलप करना चाहती है। दूसरी बात, भारत की सरकार ने कई बार ये बात बोली है, हम जानते हैं कि पहाड़ी इलाका है, हम जानते हैं लद्दाख है, हम जानते हैं कि इस लद्दाख के इलाके में इकोलॉजी फ्रेजाइल है, हम भी जानते हैं। और ये मत भूलिए कि भारत विश्व तौर पर सबसे पुराना और सबसे पहला देश है जो पर्यावरण की रक्षा करना जानता है। विश्व तौर पर आज की डेट में किसी दूसरे देश की हैसियत नहीं है कि वो भारत को खड़े होकर लेक्चर दे कि आपको पर्यावरण कैसे प्रोटेक्ट करना है। हमारे रिलीजन में, हमारे सनातन धर्म से लेके हर एक रिलीजन में पर्यावरण में और पर्यावरण को लेके प्रोटेक्ट करने की कितनी महत्व है, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं। जिस धर्म के अंदर, जिस देश के अंदर उसके लोग पेड़ों को पूजते हैं, पत्तों को पूजते हैं, हमें मत बताइए कि पर्यावरण क्या है। हम जानते हैं कि फ्रेजाइल पर्यावरण है, हम जानते हैं कि लद्दाख का इलाका कोई बहुत ज़्यादा हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए नहीं है। इसी रीज़न से हमने जब साउथ कोरियन, जापानीज़ और ताइवानीज़ कंपनीज़ को बुलाया, जब हमने उनको बोला कि हमें लद्दाख में प्रोजेक्ट लगाने हैं, तो ये लद्दाख के प्रोजेक्ट इस कारण से लगने चाहिए क्योंकि वहाँ पर हमने उनको दो चीज़ें बोली हैं। पहला कि जब जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो वो जो पानी नेचुरली फ्लो करेगा वो वेस्ट ना हो। उस पानी से क्या इंडिया कुछ माइक्रोवेफर्स या माइक्रोचिप्स बना सकती है, तो इन कंट्रियों ने कहा कि बिल्कुल बना सकती है, तो हमने कहा आप हमारी मदद कीजिए। दूसरा, हमने इन देशों को, ताइवान को, साउथ कोरिया को और जापान को, बड़े सरल शब्दों में और बड़े स्पष्ट तरीके से एक बात बोली है। हमने इनको बोला है कि आप कोई भी अगर प्लांट लगाएंगे तो आपको ये चीज़ इंश्योर करनी होगी कि आप पर्यावरण का डैमेज नहीं होने देंगे। आज की डेट में दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत एडवांस स्टेज पे है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात चल रही है। आज की डेट में हर एक टेक्नोलॉजी का एक क्लीनर विकल्प है, और आज की डेट में जब आप किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी लगाते हैं, उस विकल्प का प्रयोग करके, चाहे टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी पड़े, लेकिन लोगों के प्रतीक, पर्यावरण के प्रतीक, उसको बचाव करने के लिए अगर थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्चना पड़े, तो भारत की सरकार इस चीज़ में कभी पीछे नहीं हटी। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि लद्दाख में इंडस्ट्री इस रीज़न से लगाई जा रही है। लद्दाख में इंडस्ट्री लगाना कोई वहाँ की इकोलॉजी को चीन की तरह एक्सप्लॉइट करके बर्बाद करने के लॉजिक से नहीं लग रही है। हाँ, आने वाले समय में जैसा मैंने आपको बताया, आप देखेंगे कि अगले एक साल के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ हो जाएगा कि अगर मान लीजिए बाहर की विदेशी ताकतें किसी प्रकार से कोशिश करती हैं, जो करेंगी भी, अमेरिका, चीन, ये सब कोशिश करेंगे। देखिए, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जब आज की डेट में चीन एक ऑलरेडी उसके लिए सिरदर्द बना है माइक्रोचिप वेफर इंडस्ट्री के लिए, तो भारत कल को एक और बड़ा हेडेक बन के खड़ा हो जाए, तो अमेरिका इस चीज़ को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन मैंने आपको बताया, कई देश दिल से सच्चे देश हैं, जिसमें से साउथ कोरिया, ताइवान और जापान, चाहे ये अमेरिका के साथी हों, लेकिन इनमें अपनी मर्यादा है, और ये अपनी मर्यादा के तहत भारत से आज एक साफ दिल के तहत इंगेज करते हैं। इन सबको पता है कि ठीक है, अमेरिका के एजेंडा अलग हैं, लेकिन हमें भारत के साथ क्यों इंगेज करना है। तो पहली चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए लद्दाख में कोई भी इंडस्ट्री लगती है, तो वो क्लीनर टेक्नोलॉजी से लगाई जाएगी। दूसरी चीज़, कोई भी टेक्नोलॉजी जो लगाई जाएगी, उसका ये इम्पैक्ट ध्यान रखा जाएगा, जो भारत की सरकार ने कई बार बोला है कि वो एनवायरनमेंट को बेयर मिनिमम हार्म करे। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, हम चाहते हैं कि जो चीन का एडवांटेज है, उस एडवांटेज को हम नेचुरली ऑफसेट कर दें इन देशों को बुला के। तो ये लार्जर जियोपॉलिटिक्स है। चौथी चीज़, मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में, अगले एक साल के अंदर अंदर, आप देखेंगे कि शायद एक ट्रेड ऑफ हो जाए कि जैसे जैसे ये बाहर की शक्तियाँ लोगों को उकसाने की कोशिश करेंगी कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन ना करिए, उसको ऑफसेट करने के लिए भारत की सरकार एक काम करेगी। भारत की सरकार लेट से एक आने वाले समय में अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि लद्दाख में बोल दे कि ठीक है, यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली,
तो लोगों का मन भी खुश हो जाएगा कि वहां पर एक यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली लद्दाख में बन गई, और जैसे ही ये यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली इन लद्दाख बन जाए, उसके बाद लोग अपने सांसद से लेके अपने चुनिंदा MLAs को भी इलेक्ट करके वो भेजेंगे, साथ साथ यूनियन टेरिटरी के रहते हुए भारत की सेना, भारत की इंटेलिजेंस और भारत की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी आज की डेट में जापान, कोरिया, ताइवान जैसे देशों के साथ मिलके चाइना को ऑफसेट भी कर पाएगी। तो जहां तक बात है सोनम वांगचुक के इस प्रोटेस्ट की, मैंने आपको बताया दो पॉइंट थे। पहला पॉइंट वैलिड है, उस पॉइंट पर चर्चा चल रही है, वो पॉइंट लॉन्ग रन में ट्रेड ऑफ होगा, पर उस पॉइंट को आइसोलेटेड तरीके से मत देखिए। दूसरा पॉइंट जो था उसका कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए, आज की डेट में इस वीडियो के बाद अब आप समझेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बुरा नहीं है, लद्दाख के लोगों को समझाया जाएगा और लद्दाखी लोग हैं समझदार लोग हैं, भारत का हर एक इलाके का नागरिक देश के लिए यहां पर बैठा है, सारे लोग देश को प्रगतिशील तरीके से आगे विकास कार्य के पथ पर दिखना चाहते हैं। जब लद्दाख के लोगों को ये बात समझाई जाएगी तो ये चीज समझेंगे, और लद्दाख के लोग बहुत समझदार लोग हैं, उन्होंने भारत का समर्थन भारत के साथ रह के चीन के खिलाफ हमेशा किया है और वो हमेशा रहेंगे भी आगे, किसी प्रकार से वो कोई आपत्ति जनरेट नहीं करेंगे। और तो और भारत आज की डेट में एक चीज साथ साथ सरकार ये भी कर रही है कि लद्दाख में टूरिज्म को बढ़ा रही है। हाँ, टूरिज्म में एक प्रॉब्लम जरूर आती है, हम हिंदुस्तानियों को बहुत ज्यादा समस्या है गंद मचाने की, क्योंकि हम परपेचुअली गंदे लोग हैं, हम ये चीज नहीं समझते कि पहाड़ी इलाकों में जाकर ये गंदगी नहीं मचानी है। वो घटिया से 2% के व्लॉगर बाइकर्स जो हैं, आपने देखा होगा जो अपने यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं कचरा फैलाने में, बोतलें फेंकने में, उन जैसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन भारत की सरकार धीरे धीरे टैसिट लेवल पे टूरिज्म को प्रमोट इसलिए कर रही है, उसके दो कारण हैं कि लद्दाख भारत के साथ मेनस्ट्रीम हो, मेनस्ट्रीम भारतीयों के साथ उनका एक मेल हो, और दूसरी सबसे बड़ी बात, टूरिज्म प्रमोट करने से आर्थिक परिस्थितियां बढ़ती हैं, बेटर होती हैं। हाँ, टूरिज्म के साथ ये जो कचरा गंदा का काम है, इस चीज को मिनिमाइज किया जा सकता है, इसके ऊपर कुछ कंट्रोल्स और रेगुलेशंस अगर लगाए जाएं तो ये चीज मिनिमाइज होगी। और लद्दाख में आज की डेट में अगर आप कभी लेह की सिटी में जाते हैं तो आप देखेंगे बड़ी साफ सुथरी सिटी है, वहां के लेह के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जगह जगह पर हर 5-5, 10-10 मीटर के बाद एक डस्टबिन रखा हुआ है, क्योंकि पता है टूरिस्ट आते हैं, गंदगी नहीं मिलती है। और जो लोग लद्दाख गए हैं वो बात से सहमत होंगे मेरे जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार की गंदगी सड़कों पर जैसे हमारे यहां कानपुर या दिल्ली या इधर उधर चलते हुए दिख जाए वैसी नहीं गंदगी दिखेगी आपको। तो टूरिज्म बढ़ रहा है, आर्थिक तौर पर वो मजबूत हो रहे हैं, इंडिया के साथ साइकोलॉजिकल मेन स्ट्रीमिंग हो रहा है, साथ साथ लॉन्ग रन में गेम ये भी खेला जाएगा कि उनके साथ पॉलिटिकली उनकी जो डिमांड है लेजिस्लेटिव असेंबली इन लद्दाख विद यूनियन टेरिटरी दे दी जाए, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन आवश्यक है। तो सोनम वांगचुक का ही कल को मान लीजिए प्रयोग किया जाए, और सोनम वांगचुक जैसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर का जिसका लद्दाख में लोग काफी पूछते हैं, अगर उस बंदे को इस चीज के बारे में सेंसिटाइज किया जाए और वो ये चीज को लद्दाख के लोगों को बताए, सरकार के पास अपने और बहुत सारे साधन हैं, इन सारी चीजों के साथ आप मानिए कोई समस्या नहीं आएगी। तो सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट, हमें उसको कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नजरिए से देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बट जो उसके प्रोटेस्ट का जो पॉइंट नंबर 2 था, जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था कि थोड़ा कंटेस्टेबल है, तो ये कंटेस्ट मैंने आपको पूरा इस वीडियो में समझा दिया। तो आई होप लद्दाख के अंदर क्या चल रहा है, लॉन्ग रन में क्या खेल है अगले 20-25 साल का, अब आप इससे सहमत होंगे और ये आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।